प्रशासन और पुलिस की संयुक्त एक और बड़ी कार्यवाही एसडीएम शिवानी गर्ग, डीएसपी सौरभ रत्नाकर और नायब तहसीलदार सोनू गुप्ता द्वारा कलेक्टर और एसपी महोदय के निर्देशन पर की माइनिंग माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। नियमों को ताक पर रखकर सिंध नदी में श्यामपुर घाट में आना पर 7 पनडुब्बियों के माध्यम से किया जा रहा था रेत का उत्खनन। प्रशासन और पुलिस की टीम के द्वारा योजना के अनुसार पहुंचकर 7 पनडुब्बियों को तोड़ दिया गया एवं आग लगाकर नष्ट कर दिया गया। यहां लगे संपूर्ण सेटअप को भी तोड़ दिया गया है। खनन माफियाओं को पहुंचाया लगभग 20 से 25 लाख का नुकसान। प्रशासन और पुलिस की टीम जब घाट पर पहुंची तब पनडुब्बियों पर बैठे लोग वहां से भाग निकले। उक्त प्रकार से किए जा रहे उत्खनन से न सिर्फ माइनिंग माफियाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था बल्कि पर्यावरण और इकोसिस्टम को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुँच रहा था। कलेक्टर और एसपी सर के निर्देशन में हम लोगों को जो कार्य करने के लिए सौंपा गया था, इसी क्रम में जो अवैध रेत माफियाओं के उत्खनन किया जा रहा है, थाना प्रभारी डीएसपी प्रोबेशनर सौरभ रत्नाकर जी, मैं शिवानी गर्ग एसडीएम गुना और मेरे नायब तहसीलदार सोनू गुप्ता के द्वारा पहुंचकर श्यामपुर घाट पर जो हम लोगों ने देखा टीम के द्वारा, वहां पर तकरीबन 7 पनडुब्बियां देखी गई जिसको अवैध उत्खनन की जो हमको कार्रवाई के निर्देश मिले थे उसके क्रम में हमने उन सारी पनडुब्बियों को तब आग लगा दी गई है, उनको तोड़ दिया गया है और वहाँ पर जो लोग थे वो भाग गए हैं, उनको पकड़ने की कोशिश पुलिस के द्वारा भी की जा रही है। म्याना से ग्राउंड रिपोर्ट और सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट।